यानी मुर्शिद सब कुछ कर सकता है, लेकिन वो पहला देखता है बंदा कैसा है। इसने मेरी सेवा की थी, इसने मेरे हुक्म मने है, यह मेरी रजा के विच चलिया है। तो उन्होंने कहा आज तो बाद तेरे खानदान के विच खब्बी अख दा नूर सब नालों ज़्यादा चमके। खब्बी अख ऐसे ऐसे भी लोग ने उन्हें सानू कोई कहे तो उंगली वट के दे दे, मेरा तो नहीं ख्याल है साढ़े चो कोई भी दे सके। जिन्होंने मन दिता अपना सतगुरु के अगे वो सब किस्म का त्याग कर सकते हैं गुरु ने पिछे। इस तरह ही गुरु अमरदास जी की बाणी है तीसरी पातशाही किन्ने बजुर्गी इन्होंने नाम मिले और बंदगी इन्होंने की और बड़ी सेवा की है। हाँ पढ़ लाइन सारा हौमे के बीच बैठा है, इस करके ये अगे प्रत्यक्ष सतगुरु अपना शरीर लैके भी आ जाएगा ना तो जीव को यकीन नहीं होना। सतगुरु की अपनी शक्ति किसी के बीच भी प्रवेश कर जाए यकीन नहीं करेंगे नहीं है तो ऐसे फलाना ही। इस टीके नाल हौमे दीर्घ रोग है दारू भी समाही। हौमे बड़ी एक पुरानी बीमारी है और कवे ना भी यदि कोई दवाई है जी दवाई भी अंदर ही है। जिन्नी बंदा नाम की बंदगी करेगा सत्संग सुनेगा सेवा करेगा अपने तन नाल मोटे बंधन कटेगा फिर जीने कटेगा नाम के प्रताप नाल उस जीव के अंदर हौमे नहीं होते। वो अपने आप को निमाना और बिल्कुल अतना बन के सतगुरु के दरबार के बैठता है जिस तरह की एक मुर्शिद के दरबार के कुत्ता हो कुत्ता महाराज की कुर्सी थले बैठा रहता से या उत्ते आ जाता से। इस तरीके कुत्ते की तुलना इंसान नाल की है कबीर साहब ने भी कुत्ते के अंदर बड़ी ही भक्ति है अपने मालिक की और उस भक्ति के जरिए ही वो अगे मनुष्य दे ही पा जाता है। कई सिद्धियाँ आ जाती हैं कुत्ते के अंदर संतान के दरबार में चले जाते हुए। हाँ इस करके कहते हैं हौमे है दीर्घ रोग है बहुत ही गंदा रोग है और इसके नाल साडा भजन बंदी करन दे विच भी साडे वास्ते बड़ी भारी रुकावट आ जाती है हौमे के नाल। मैं एक बच्चा भी छोटा जिहा उहदे विच भी हौमे क्यों खिलौना लिया के दोगे तो किसी नहीं देगा कहता यह तो मेरा खिलौना है यह तो मेरा खिलौना है। इस तरह वही चीज़ हौमे पनपदी अगे जाके एक बट दृक्ष बन जाती है और वो सानू साडे अंदर जिहड़े काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ने इस दे नाल सानू बीमार कर दिंदी है और जिस चीज़ नूं असीं पाण दे हकदार उस मालिक ने बनाया सी जब जन्म दिता सी उस तों असीं विछड़ जांदे। इस करके हमेशा नीवा सिर रखिए नीवी गल करिए नीवे बन के रहिए तब तो मालिक बहुत खुश होंगे उस जीव के उत्ते जिहड़ा कि नीवा बन के रहता उन्हें स्वर्ग तो भी उच्ची जगह मिलती है। जिहड़ा नीवा बन के रहता जिहड़ा अपना सिर चुक के गर्दन चुक के बैठता है कुछ बादशाह भी आ जाए। अकबर बादशाह देखे कृष्णा संतां के दरबार के विच लंगर लगा है ही ते वो भी गए अंदर सुना क्या भी मैनू भी लंगर दे उन्होंने हफ्ते रोटी जी बनी सी संतान ने पंडाले चो दिती खाधी ही उन्हें अपने वजीर को कहा कि ऐसा स्वाद तो मैं भोजन अपने घर भी नहीं मिले जो इतने सतगुरु के दरबार के मिलता पे इतना रस आता इस गल के उत्ते। और असी हमेशा स्टैंड पॉइंट यानी मंजिल तद पा सकते हैं जे असी सतगुरु के कहने चलिए। सतगुरु सानू छे विशेषता ने जो कहता है कि घमंड ना करो क्रोध ना करो सच्चाई च रहो अपनी करनी दे विच आओ जो सतगुरु तुहानू कहता है रहनी बहनी अपनी बदलो किसी की निंदा ना सुनो सुनते हो एक कान सुन दूजे कान चो बाहर कर दे क्योंकि हर एक आदमी जिहड़ा है नौ दरवाजे का शरीर लिता है वो अंदर मैल ही मैल बहुत मैल है। कभी अपने अंदर एकांत बैठ के जाके देखो कितनी कुरुक्षेत्र का मैदान छिड़ा है उत्ते
कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, मन इतना चंचल है कि इंसान को शांति नाल बैठ नहीं देता। कभी बच्चे की फिक्र, कभी किसी पढ़ाई की फिक्र, कभी पति की बीमारी की फिक्र, ये सारिया चीज़ों के नाल मन को इंद्रिया ने, इंद्रिया साड़ियाँ कमजोरी ने और ये ताकत कौन इन पड़ता है, मन। इस दे नाल असी जकड़े पड़े और इसका इलाज तो सब कुछ आप दसता है भी तुम बंदगी करो, संतान की शरण के पवो और नाम का सेवन करो। सब दवाइया देता है, दसता है किन्ने वॉल्यूम दी है, किन्ने एम जी बी है, किन्ने सारा दसता है। सतसंग सत्संग क्यों किया जाता है, इसे कर सत्संग के जरिए जिस तरह कपड़े को साबण धोई दशिया के उत्ते रख के, इस तरह ही असी नाम दे जरिए ही अपने अंदर जो कमजोरिया ने उन्होंने दूर करा और सतगुरु की अपनी शक्ति बढ़ती है। जिस वे सतगुरु कहता है कि तुम बंदगी करो, चाहे दिने करो चाहे शाम को करो, लेकिन करो जरूर, करो जरूर। लेकिन यह ना सोचो कि भाई मैं बंदगी करता पाया मैनू इसका फल मिलेगा, वो उसकी कृपा के उत्ते छो, उसकी कृपा से छो। अपना मूड जो थोड़ा बन गया है भजन बंदगी करन ते, तो तुसी उस वेले बह जाओ सारे काम छड के पछाड़, क्योंकि उस वेले जिहड़ी तुहानू शक्ति मिलनी है वो शक्ति ही काम आती है। जब जिस वेले अंदर मूड भी हुण मैं बैठ जा थोड़ी देर या मैं लेटे लेटे भजन करी जा तब मेरी आखी छट लग जाए। ये चीज़ा सारिया जिहड़ियां ये सेल्फ के उत्ते नहीं है मुताज, ये उसकी दया के उत्ते मुताज। उसकी दया जद आए तो किसी वेले भी तुहाडे अंदर बंदगी का प्रसाद फिर उस वेले नहीं देख रहे असं नापते हाँ कि नहीं नापते, नापे अपन तो खुद कहते पे नहीं ना, ना कोई मैला नहीं रखता। तुम चाहे 100 तीर्थ दुनिया के इतने सारे भुग के आओ तो तुम सिर्फ पानी नाल शरीर धोता है, और शरीर धोता है तो आत्मा दिन धोती, आत्मा के नाम की बंदगी के नाल तुपेगी, गुरु के दर्शन नाल तुपेगी, गुरु की भगती नाल तुपेगी। क्योंकि इस कलयुग के विच भगती प्रधान है, इस कलयुग के विच भगती प्रधान है, और इसी विधि जरा इंसान जरा है उस मालक की शक्ति को पाता है जी अंदर साउंड है, शब्द है। और गुरु कहते ने अगर तुम ना हो तो संसार में जल मरता संसार, अगर वो नाम और संत ना होंगे दुनिया तो तुम फिर कितने जाना सी मंदिरों किताबों के तीर्थों के ना तो के आ जाना सी, उन्ना ही हंकार होर भर जाना सी तुहाडे अंदर। अज तक जो सारे तीर्थ किए असी सारा कोई तीर्थ नहीं छड़िया, सारे तीर्थ किए फिर उत्थे ही संत है कहते ने जे तू तीर्थ किए ने तो तेरी आत्मा तो धुप्पी नहीं, वो तो उस तरह की उस तरह देह नूं पखारन नाल देह नूं धोण नाल मैल नहीं उतरदी पानी नाल जिन्नी कि वह साबण नाल उतरदी। और अंदर की आत्मा की जिहड़ी तुलाई करनी है वो असी नाम सिमरन और ध्यान के नाल कर सिमरन करन। जिहड़े जीव नवे नवे सत्संग दे विच नाम लैंदे ने उन्होंने पहला सिमरन के उत्ते अपना अभ्यास करना चाहिए, सिमरन कर, सिमरन करते करते सतगुरु के स्वरूप को अपनी अखा के सामने रख, स्वरूप को फोटो के स्वरूप को नहीं, जे जिस तरह तुम एडिटर महाराज जी को देखा सी इस तरह उन्होंने ध्यान करो। ध्यान करते करते अंदर कोई इच्छा ना रखो कि मैनू जी हूँ तरकुटी दिखा दौ, मैनू हूँ शानदार कमल दिखा दौ, ये उन्होंने उत्ते छोड़ो। वो चाहे तुहानू कोई भी अंदर का प्रसाद दे उसकी रजा दे उत्ते उस प्रसाद को सामभ लो, और जिस तरह वो गाइड करते हैं उस तरह तुम गाइडेंस लैके उस तरह अभ्यास करो। और जबरदस्ती मत्थे के उत्ते जोर पा के तुम अभ्यास ना करो, सहज सवाल जिवें बैठे हुए हो इस तरह ही मस्तक वाल ध्यान करो, गुरु का स्वरूप पकड़ो और सह सुबह बैठे रहोगे आवाज़ अपने आप आनी शुरू हो जाएगी, अपने आप आनी शुरू हो जाएगी।
अगर उसके विच कोई टोटल लेके बैठ जाते तुसी टेंशन या कोई फिक्र या नौकरी का फिक्र ये वो फिर वो आवाज अपने आप पीछे चल जाती।